हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिटू ब्लॉग्स में फिर से एक बार। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये सुबह सुबह ना भिंडी की सब्जी और चावल बना था, चावल भी बना था और रोटी भी बना था चावल, क्योंकि चावल के बिना मेरी मम्मी नहीं खाती है। चावल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी की वजह से चावल भी बनता है, रोटी बनता है, फिर भी चावल बनता है सुबह के टाइम, और फिर रात में तो फिर से रोटी बनता ही बनता है। तो यहाँ देख सकते हो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए भिंडी को भूंज रही हूँ और इधर ना रोटी एक साइड बन जा रहा है, ठीक है। एक तरफ भिंडी की सब्जी चढ़ी हुई है, तो यहाँ देख सकते हो रोटी मेरा खिला खिला। मैं ना गैस पर ही फुलाती हूँ, तावे पर नहीं फुलाती क्योंकि मुझे तावे पर फुला हुआ रोटी नहीं पसंद। और इधर मेरी सब्जी भुंजा रही है, तो यहाँ ना सब्जी में मसाला मैंने डाल दिया था हल्का हल्का करके। पहले पहले तो मैं भिंडी को भूंज ली थी ना, प्याज डाल के और उसके बाद फिर मसाला डाल के उसके बाद फ्राई की थी। और इधर थोड़ा सा ना बाबू परी के लिए पूरी छना रहा है, पूरी उन लोग मतलब रहता है नमक डाला हुआ रहता है, तो थोड़ा बहुत करके खा लेते हैं। तो यहाँ ढेर सारा पूरी आज छनाया था, आधा आटा का रोटी बना था, आधा आटे का पूरी छनाया था। तो पूरी ना परी भी खाती है, परी भी नमक डाल देते हैं ना, तो परी को भी अच्छा लगता है, तो घूम घूम के कम से कम खाती है। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि हालत खराब है सब लोग का। गया में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब गर्मी खा लिया था पूरी सब पूड़ी और सब्जी और चावल, ठीक है। और उसके बाद मैं इधर पूजा पाठ नहा धोवा के आ गई पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ मैंने गौरी गौरी देवता मतलब गौरी भगवान का पूजा कर लिया है, जो मैं डेली करती हूँ। और यहाँ सारे भगवान सब यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं, जो भी भगवान सब हम लोग डेली पूजा करते हैं। और यहाँ पे दीप जल रहा है, तो आज मतलब मैंने नहा ली थी खाना बना के, अभी नहीं कुछ खाई हूँ, अब नहा के जा रही हूँ। ऐसे गर्मी की वजह से ना कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी है कि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद पूजा पाठ हो चुका था, नहाने के बाद तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, उसके बाद फिर वही हाल है, नहाने के बाद थोड़ी देर तो कम से कम ठीक लगता है। तो यहाँ मैं नहा धोवा के हो चुकी हूँ रेडी, और उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। थोड़ा सा मैंने भिंडी की सब्जी ली थी और आलू और टमाटर की भुंजिया और पूरी और चाय, ये मैं मेरा चल रहा है अभी खाना, आप लोग भी खाओ आप लोग को कैसा लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए फिर से मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ मार्केट करने मतलब गए थे कुछ ना सामान, मतलब दुकान में ही हम लोग का छूट चुका था, छूट गया था, तो वही लेने के लिए गए थे। और मतलब 1-2 रुपये का नहीं था, महंगा था, इसी की वजह से मतलब जाना पड़ा। और धूप इतनी कड़ी धूप थी, इतनी कड़ी धूप थी कि मतलब हालत खराब हो रहा था। दुपट्टा मैं थोड़ा सा ये स्टॉल रहता ना, ये थोड़ा सा राहतमय होता है, तो इसको थोड़ा सा भिंगा के भी कभी कभी मैं सर पे ले लेती हूँ क्योंकि राहत लगता है। और दुपट्टा से ना सर पूरा ढक ली थी क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा सर जल रहा था धूप से। और मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी जल्दी जल्दी कर लेना, आधा घंटा के अंदर करके चलते हैं। अब मम्मी पीछे पीछे मम्मी आ रही है, मम्मी सामान जो जो मम्मी को लेना था ना वो सब धीरे 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 करके हम लोग लेते जा रहे थे। आज मैं ना करवा चौथ मतलब करवा चौथ बोल रही सॉरी और सावित्री पूजा के लिए साड़ी ले लूंगी, क्योंकि साड़ी ले लूंगी तो फिर उसका ब्लाउज भी सिलवाने के लिए होता है। अब ब्लाउज सिलवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी की वजह से मैं साड़ी आज ले लूंगी और उसके बाद ब्लाउज सिलने के लिए दे दूंगी, ताकि मतलब वर सावित्री पूजा तक मेरा ब्लाउज सिला जाए। तो यहाँ उसके बाद फिर मैं साड़ी दुकान ढूंढ रही थी कि किसमें अच्छा साड़ी दिखे बाहर से, कि जिसमें अच्छा साड़ी दिखे उसी में जाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा साड़ी लेना था, थोड़ा सा यूनिक टाइप का, नया मतलब नया मॉडल में लेना था। और ये सब मतलब डेली डेली साड़ी जो पहनते हैं वो सब नहीं लेना था, इसी की वजह से मैं कुछ अच्छा दुकान ढूंढ रही थी। मैंने 2 साड़ी यहाँ पे देख सकते हो मैं ले चुकी हूँ, ये मतलब जिम्मी छू साड़ी जो नया नया निकला है ना वो मैं ली थी, 2 साड़ी ली थी। एक रेड कलर का ली थी क्योंकि रेड मुझे लेना था वर सावित्री पूजा में, मैं ज्यादातर सोचती हूँ कि डार्क ही पहनो, इसी की वजह से मैं रेड एक पसंद की थी। और जिम्मी छू साड़ी में ना ज्यादातर हल्का कलर रहता है, मतलब डार्क नहीं रहता है। डार्क बहुत दुकान में खोजी लेकिन नहीं मिला, लेकिन एक ना एक दुकान में मुझे मिला, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लग गया लेकिन मिल गया था। तो मैं उसके बाद मैं वहां से रेड कलर का एक साड़ी ले ली थी जिम्मी छू में, और एक और ली थी जो मुझे यूनिक लगा, अच्छा लगा, तो मुझे वो भी पसंद पड़ गया, तो मैं वो भी ले ली थी। 2 साड़ी मैंने लिया था, दोनों में से एक रेड कलर का था और एक थोड़ा सा हल्का कलर का था, तो दोनों मैं सिलवाऊंगी, दोनों में से कौन पहनूंगी ये देखा जाएगा, जो मुझ पर अच्छा लगेगा ज्यादा वो पहनूंगी। और दोनों मतलब स्टिच हो जाएगा तो उसके बाद ब्लाउज सिला हुआ रहता है तो कभी भी पहनने के लिए हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोपहर में
मार्केट वर्केट करके आके फिर अब मैं यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ। तो मैंने सारे मतलब कपड़ा जो पहन के गई थी वो चेंज कर लिया है जल्दी जल्दी। ऐसे भी गर्मी की वजह से, गर्मी के कारण ना मतलब कोई भी ड्रेस अगर पहनो ना तो लगता है काटो काटो लगता है, कब खुल के फेंकू और कब मतलब रिलैक्स फील करूँ, कब मतलब घर का जो मतलब डेली वियर यूज मतलब होता है नाइटी या तो नाइट सूट वो वियर करूँ, वो मतलब रहता है कि वो उसके बाद ना मतलब पूरा शरीर हल्का लगता है, रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ मैं चाय बना ले रही थी, यहाँ बर्फ़ पड़ी के लिए बर्फ़ यहाँ पे जमने के लिए मैं डाल दूंगी। यहाँ बर्फ ना पड़ी डेली निकालती है, डेली गंजी में डालती है, खेलती है, बर्फ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ दोनों में बर्फ़ नहीं जमा हुआ था, दोनों में दोनों ना टूट चुका है गाइस, बहुत पुराना है ना इसलिए टूट चुका है बीच से। तो मैं यहाँ पर बर्फ़ थोड़ा सा इकट्ठा करके और उसके बाद परी को जाके दूंगी, क्योंकि उसको ना बर्फ़ देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। देख सकते हो थोड़ा सा बर्फ़ निकला है, मैं फ्रिज को बंद कर दी और अभी ना देखे बेटा देखे देखे हो गए खत्म। आइसक्रीम था लाके दे लेगी। जा खत्म खत्म। आप लोग को दिखाती हूँ गाइस कि मैंने कौन सा साड़ी लिया है। तो यहाँ देख सकते हो ये ना गाजरी कलर का रेड, मैं सारी गलती से रेड बोल दी थी, नहीं कि गाजरी कलर का मतलब हल्का पिंक पे आ जाता है, मतलब गाढ़ा पिंक मतलब गाजरी कलर पे आ जाता है। और ये देख सकते हो ना ये हल्का कलर है, ये मतलब बहुत ज़्यादा हल्का कलर है। इस कलर की साड़ी मेरे पास एक ना नेट की थी जो बहुत पहले मैंने पहनी है, और इस कलर की साड़ी तो ज़्यादातर मेरे पास है लेकिन मतलब इस टाइप की नहीं है, यूनिक है। ये थोड़ा सा ना जिमी छू साड़ी है, ये बहुत पतला रहता है, बहुत हल्का होता है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला है, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बहुत मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था पहनने का। तो मैं यही इसी की वजह से मैं ले ली थी कि देखती हूँ, एक दो तो रहना चाहिए मतलब रहना ही चाहिए यूनिक टाइप का। तो यहाँ देख सकते हो ये बहुत पतला है, इसमें मैं हाथ डाल डाल के देख रही हूँ, पतला टाइप का पूरा दिख रहा है। तो इस पर मैं अभी पेटीकोट नहीं ली हूँ, इस कलर का पेटीकोट नहीं मिल रहा था इसी की वजह से मैं नहीं ली हूँ, और जो पिंक कलर का है ना गार्जी कलर का उस कलर का पेटीकोट मिल गया था तो मैंने ले लिया था। ये देख सकते हो ये साड़ी ना थोड़ा सा हैवी मतलब इसमें हैवी काम है, जिमी छू में एक होता है सिंपल टाइप का मतलब जो रेड वाला है वो नहीं है, ये थोड़ा सा हैवी है और ये थोड़ा सा सिंपल है। तो ये देख सकते हो इसका सिर्फ बॉर्डर में काम है और सारा साड़ी मतलब मुंडा 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 है, और ब्लाउज में काम है ठीक है। तो ये देख सकते हो ये भी इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पर साड़ी वही मतलब कपड़ा सेम है लेकिन काम अलग अलग है दोनों का, वो हैवी हो गया ये थोड़ा सा सिंपल में हो गया। और आप लोग जरूर बताना कि मैं कौन सा पहनूँ, किस टाइम पहनूँ, मतलब वट सावित्री पूजा के दिन कौन सा पहनूँ साड़ी, कौन सा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग मतलब आप लोग को अगर मतलब सजेस्ट देना चाहोगे तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि कौन सा साड़ी मैं वर सावित्री पूजा के दिन पहनूं ठीक है। अब मुझे ना दोनों क्या दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लाउज स्टिच करवा लूँगी, जा रही हूँ मतलब टेलर के पास जाके दे देती हूँ, अब देखती हूँ ब्लाउज स्टिच होके आएगा तो देखती हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं भी डिसाइड करूँगी कि कौन सा पहनना। नहीं कि आप लोग जरूर कमेंट करना कि कौन सा मैं पहनूँ ठीक है। तो ये देख सकते हो ये मेरा दोनों साड़ी था जो मैंने वर सावित्री पूजा के लिए लिया है, और अब कुछ कुछ सामान सब बाकी है तो वो सब धीरे धीरे अब लिया जाएगा ठीक है। तो गाइज आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आप लोग को मेरी ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पर अगर अभी तक नए आए होगे आप लोग तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर आप लोग बताना कि आप लोग को कौन सा साड़ी अच्छा लगा ठीक है दोनों में से ठीक है। बाय बाय।